हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनु कौशल बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और पिछले 13 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और प्रिपेयर कर रहा हूँ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए और IIT JEE के लिए। देखिए, आज कुछ एडजॉप्शन के बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस करने का मन है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छा लगेगा। सो एडजॉप्शन चीज़ क्या है, पहले ये जान लेते हैं। एडजॉप्शन द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रादर दैन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एन एडजॉप्शन। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर स्पीशीज का इकट्ठा होना कहां पर, सरफेस पे। जैसे ये रिमोट है, रिमोट आप देख सकते हैं, ये रिमोट है, तो इसके सरफेस पे अगर कोई चीज आकर बैठ जाए, इसके अंदर ना घुसे। अंदर घुसने का मतलब हो गया कि बल्क में जाना, दैट इज कॉल्ड बल्क ऑफ अ सॉलिड। सो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई मॉलिक्यूल आकर किसी चीज के सरफेस पे बैठ जाता है, बल्क में नहीं जाता, अंदर नहीं घुसता, तो बच्चों उस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन क्या हुआ, जब मॉलिक्यूलर स्पीशीज आकर सेटल होंगे किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे और बल्क में एंटर नहीं करेंगे, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहा जाता है। अब जानते हैं एडसॉर्बेंट क्या चीज होती है। देखिए, अंग्रेजी में डेफिनेशन किताब में यह लिखी होती है कि द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच, ऑन द सरफेस ऑफ विच एडसॉर्प्शन अकर्स इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी ये रिमोट बताया, मान लीजिए अभी ये स्केच पेन है मेरे पास, ये छोटा सा स्केच पेन, तो स्केच पेन मान लीजिए इस रिमोट के सरफेस पे सेटल हो रहा है, तो ये रिमोट मेरे लिए एडसॉर्बेंट है। एडसॉर्बेंट वो चीज हुई जिसके ऊपर कोई चीज आकर सेटल होती है, तो ये रिमोट मेरे लिए एडसॉर्बेंट है। बच्चों, दिस इज एडसॉर्बेंट फॉर मी। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वो सरफेस जिसके ऊपर कोई चीज आकर सेटल होती है, ये एडसॉर्बेंट है। और जो चीज, यानी कि ये मार्कर मान लीजिए आकर यहां सेटल हुआ, तो ये एडसॉर्बेट है। ये मार्कर एडसॉर्बेट है और ये रिमोट एडसॉर्बेंट हुआ। So, कुछ एडसॉर्बेंट्स के एग्जाम्पल्स मैंने कोड किए हैं, चारकोल, सिलिका जेल, एलुमिना जेल, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडसॉर्बेंट्स। ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एडसॉर्बेट क्या होता है बच्चों, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जिस सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो रही है वो सरफेस एडसॉर्बेंट है, जो चीज आकर सेटल हो रही है बच्चों वो एडसॉर्बेट है। तो एडसॉर्बेट की डेफिनेशन भी मैंने ये लिखी है कि द सब्सटेंस दैट गेट्स एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, दिस इज कॉल्ड एडसॉर्बेट। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए, अब जो एडसॉर्प्शन है वो एक जनरली मेजॉरिटी केसेस में जो एडसॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब इसको प्रूव कैसे करना है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ क्या जिसमें एनर्जी लिबरेट होगी, बाहर निकलेगी। देखिए बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, और थर्मोडायनेमिक्स में हमें यह पता है कि अगर कोई प्रोसेस संभव बनानी है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अब ये जो इक्वेशन लिखी है, दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी यहां पर टेम्परेचर है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ये टेम्परेचर है, ये जो कैपिटल टी है, जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर केल्विन में होता है और केल्विन वाला तापमान बच्चों नेगेटिव नहीं होता, तो मैंने इस टी को तो पॉजिटिव साइन असाइन कर दिया है। एंट्रोपी चेंज मैंने नेगेटिव लिखा है, अब ये नेगेटिव क्यों लिख दिया। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ गैसेस हैं, हवा में कुछ गैसेस हैं जो घूम रही हैं। अगर गैसेस घूम रही हैं तो इनकी जो मूवमेंट है वो फ्री है, तो मैं कहूंगा कि एंट्रोपी ज्यादा है। देखिए, एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी इज द एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस, भाग दौड़। जहां जितनी ज्यादा होगी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। हवा में गैसेस घूम रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, तो रैंडमनेस ज्यादा है, तो मैं कहूंगा जी एंट्रोपी ज्यादा है अभी गैसेस की। यही गैसेस पे अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो ये गैसेस आके मान लीजिए एडसॉर्बेंट के सरफेस पे सेटल हो गई, तो मैं कहूंगा जी एंट्रोपी कम हो गई, क्योंकि अब गैसेस फ्रीली भाग दौड़ नहीं सकती, सेटल हो चुकी हैं, तो एंट्रोपी कम हो गई है। पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, अब एंट्रोपी कम हो गई, तो जो एंट्रोपी का चेंज आएगा वो आएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि कम एंट्रोपी माइनस ज्यादा एंट्रोपी, और कम एंट्रोपी माइनस ज्यादा एंट्रोपी, तो एंट्रोपी चेंज बच्चों नेगेटिव आ जाएगा।
तो डेल्टा एस मैंने इसको नेगेटिव साइन असाइन कर दिया। अब पॉजिटिव इनटू नेगेटिव होता है नेगेटिव। नाउ दिस नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव। सो अभी तक मैं टी डेल्टा एस इन सब के साइन असाइन कर चुका हूं, और मेरे को एड्सॉर्प्शन अगर संभव करवानी है प्रोसेस, तो उसके लिए बच्चों मेरे को तो डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए ना। अब ये सारी वैल्यू तो पॉजिटिव हो चुकी है। डेल्टा जी नेगेटिव करने का हमारे पास केवल एक ही जरिया है, वो ये कि डेल्टा एच की वैल्यू एक तो नेगेटिव हो, और डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड रखा है मैंने, वो 5 रखा है, ये इस 3 से बड़ा है, तभी डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है ना। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि संभव होगी, तभी एड्सॉर्प्शन संभव हो पाएगा। सो यहां से हमने ये कंक्लूड किया फाइनली कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, यानी कि एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रूव करनी है, तो एक तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है, जो मोड है, मैग्नीट्यूड है, वो टी डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि भाई साहब जो मैंने आपको बेसिक्स समझाए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ कोई नहीं आता, कोई क्वेरी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे वीडियो में है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।